हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स अड्डा में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं पुरस्कार के नाम याद करने का शानदार ट्रिक। उस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आसानी से याद कर सकेंगे किस सन में कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया था। 10 सेकंड में आप तुरंत याद कर लेंगे, तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। पुरस्कार याद करने का एक शानदार सा ट्रिक है, जिस ट्रिक के माध्यम से आपको ये हमेशा याद रहेगा कि किस सन में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। मैंने एक नोबल, 29 ऑस्कर, 51 वर्ल्ड तथा 52 यूनिवर्स देकर 57 रैमन, 65 जवाहर तथा 86 इंदिरा पुरस्कार जीते। आप ये ट्रिक याद कीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा किस सन में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। मैंने एक नोबल, 29 ऑस्कर, 51 वर्ल्ड तथा 52 यूनिवर्स देकर 57 रैमन, 65 जवाहर तथा 86 इंदिरा पुरस्कार जीते। एक मतलब क्या हो गया आपका? एक नोबल 1901 में नोबल प्राइज दिया गया था। 29 ऑस्कर मतलब क्या हो गया? 1929 में ऑस्कर प्राइज दिया गया था। 51 वर्ल्ड मतलब क्या हो गया? 1951 में मिस वर्ल्ड प्राइज दिया गया था। 52 यूनिवर्स मतलब क्या हो गया? 1952 में मिस यूनिवर्स कार्लिंग प्राइज दिया गया था। 51 रोमन क्या हो गया? 1957 में रोमन मार्क्से जो प्राइज है वो दिया गया था। 65 जवाहर क्या हो गया आपका? 1965 में जवाहर नेहरू इंटरनेशनल सद्भाव प्राइज दिया गया था। 86 इंदिरा पुरस्कार मतलब क्या हो गया? 1986 में इंदिरा गांधी शांति प्राइज दिया गया था। कितना आसान सा ट्रिक है कि मैंने एक नोबल, 29 ऑस्कर, 51 वर्ल्ड तथा 52 यूनिवर्स देकर 57 रैमन, 65 जवाहर तथा 86 इंदिरा पुरस्कार जीते। आप इसको याद कीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा किस सन में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।